हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। आज हम बात करेंगे AASM हैमर बॉम्ब्स की, जहां पर हैमर का मतलब है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनेशन एक्सटेंडेड रेंज। तो ये एक किट है जैसे कि स्पाइस बॉम्ब्स के लिए आती है, जो कि डम बॉम्ब्स में लगती है और उसकी रेंज बढ़ा देती है और एक्यूरेसी बढ़ा देती है। तो इस किट में एक सॉलिड रॉकेट मोटर का इंजन लगता है, तो इसे प्रिसाइजली मिसाइल कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये एक मॉड्यूलर सिस्टम है जहाँ पर आप बॉम्ब की स्पेसिफिकेशंस को चेंज कर सकते हैं, जो प्रोवाइडेड किट है उसमें चेंज करते हुए। तो तीन तरीके का गाइडेंस सिस्टम आता है जो कि इसकी नोज में लगता है। एक है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और GPS के साथ, दूसरा इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम GPS और IR के साथ, जहाँ पर IR का मतलब इंफ्रारेड होता है, और जो तीसरा है वो है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम GPS और लेज़र के साथ। तो जो बेसिक और सबसे पॉपुलर वेरिएंट है वो 250 किलोग्राम का वेरिएंट है, वरना 125 किलोग्राम के भी वेरिएंट है, 500 किलोग्राम के भी हैं और 1000 किलोग्राम के भी हैं। तो जो स्पेसिफिकेशंस दी गई है वो 250 किलोग्राम के बम के लिए दी गई है। तो ये किट लगाने के बाद वो बम करीबन 340 किलोग्राम का हो जाता है, जहाँ पर उसकी जो रेंज है वो करीबन 50 से 60 किलोमीटर की बताई जाती है, एल्टीट्यूड पर डिपेंड करते हुए। लेकिन अगर आप साफरान की वेबसाइट पर जाकर उनका ब्रोशर चेक करेंगे तो उसमें ये रेंज 70 किलोमीटर के करीबन दी गई है। तो यहाँ से हम चीज़ों को स्पेकुलेट कर सकते हैं। तो जो 500 किलो के और 1000 किलो के बॉम्ब हैं, डेफिनेटली उनकी जो रेंज है इसके कंपैरिजन में कम होगी। बाकी गाइडेंस सिस्टम की बात हम पहले ही कर चुके हैं। ये तीन तरीके के गाइडेंस सिस्टम हैं जिनको चेंज किया जा सकता है मिशन प्रोफाइल के अनुसार। तो जो इसकी एक्यूरेसी है वो बहुत ही बेहतरीन है। ये 1 मीटर CEP की है, जहाँ पर CEP का मतलब होता है सर्कुलर एरर प्रोबेबल। तो ये लो एल्टीट्यूड पे रेंज देता है करीबन 15 किलोमीटर की, जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है लद्दाख जैसे टेरेन में, जहाँ पर एयरक्राफ्ट लो फ्लाइंग करता हुआ टेरेन को एज अ शील्ड यूज़ करता हुआ टारगेट की तरफ बढ़ सकता है और एक्यूरेटली डिस्ट्रॉय कर सकता है स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से। तो अगर इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब इसे कंपेयर किया जाता है इसराइल के स्पाइस बॉम्ब किट से, जो कि मिराज 2000 के द्वारा यूज़ की गई थी बालाकोट स्ट्राइक के दौरान। तो कई लोगों के आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जब हम लोग स्पाइस बॉम्ब को रख रहे हैं तो उनको रफाल में लगा के लॉन्च क्यों नहीं किया जाता, ये नए बॉम्ब क्यों खरीदे जा रहे हैं। तो इसका जवाब देने के लिए हम बात करते हैं दाम की। तो अगर पिछले साल की बात करें, इंडिया ने 300 करोड़ की डील साइन करी थी 100 स्पाइस बॉम्ब को खरीदने के लिए इसराइल से। तो इस हिसाब से एक स्पाइस बॉम्ब का जो दाम है वो करीबन 3 करोड़ का पड़ा। वहीं पर जो एक हैमर का दाम है वो करीबन 1,42,00,000 के आसपास का है, जो कि स्पाइस के दाम का आधे से भी कम है। तो इसका मतलब यह है कि आप एक स्पाइस के बदले 2 हैमर को यूज़ कर सकते हो, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये एक अच्छी डील है, अप्रिशिएट करना चाहिए। लद्दाख जैसे टेरेन में अगर कल को कुछ होता है तो वहाँ पर हमको प्रीसीजन बॉम्बिंग करनी पड़ेगी, और ये बॉम्ब उसके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। बाकी अगर इसके ऑपरेशनल रिकॉर्ड की बात करें तो इनको अफगानिस्तान में काफ़ी यूज़ किया गया था फ्रेंच ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए। इनको लीबिया में भी यूज़ किया गया था, जहाँ पर 24 मार्च 2011 में एक हैमर को ड्रॉप करके लीबियन एयरफोर्स के G2 गैलेब लाइट अटैक एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया गया था, जो कि पार्क था मिसराता एयरपोर्ट में। वहीं 6 अप्रैल 2011 में एक हैमर को यूज़ किया गया था डेसॉल्ट रफाल द्वारा, जहां पर लीबियन टैंक को डिस्ट्रॉय किया गया था 55 किलोमीटर की रेंज से। तो यहां पर आपकी जो मैक्सिमम रेंज है उसको भी टेस्ट किया गया है। तो कुल मिला जुलाकर 225 आपके हैमर बॉम्ब्स गिराए गए हैं लीबिया में। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है ग्राउंड अटैक्स के लिए और एयर सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये एक प्रूवन बॉम्ब है, सस्ता बॉम्ब है और एक्यूरेट बॉम्ब है। इसी बात पे इसे ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।